मैंने मिडिल ईस्ट में कुछ टाइम काम करा था, तो आप लोग जो नरेट करते हैं एग्जैक्टली उस चीज से कोरिलेट कर पाता हूँ। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी एशियन कम्युनिटी के वर्कर्स काम करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज थर्ड ग्रेडेड मुस्लिम्स। नमाज की सफ में अगर कोई बंगाली या पाकिस्तानी अगर किसी नेटिव अरब के पास में खड़ा हो जाता था, तो वो लोग अपनी सफ चेंज कर लेते थे नेटिव्स, रकात में से आगे पीछे कुछ ना कुछ होते थे। तो मैं यही बोलता था, मैंने कहा यार तुम लोग सिर्फ बात करते हो, इक्वेलिटी नाम की चीज नहीं है। एंड इवन आई विल टेल यू, उन लोगों के ग्रेवयार्ड्स कबीला बेस्ड होते थे। एक कबीले की डेड बॉडी दूसरे कबीले के ग्रेवयार्ड में बरी नहीं हो सकती थी। मिडिल ईस्ट में कबीला सिस्टम इतना डीपली इम्बेडेड है, और तो आज वहां भी है पे ये अलग अलग कब्रिस्तान और मैं आपको एक चीज आज भी बताता है। हूँ। हाँ है, एक ओके मेरे इंडियन कुलीग के बच्चे की डेथ हुई थी, तो ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट हिज चाइल्ड बरीड, क्योंकि एक कबीले वाले, मतलब वो उनके कबीले को ही अलाउ करते हैं। भाई जब मुस्लिम सब एक हैं तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। और एक ओके चीज जो मैंने ये तो मैंने वहां पहली बार काम, सुना है भाई। कब्रिस्तान भी अलग अलग कबीले के हिसाब से। आप किसी से कंफर्म कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द प्लेस वेयर आई वॉज वर्किंग प्रिसाइसली, बट वहां पे एक ही ट्राइब के अंदर रकम वाहिद और रकम दिनेन, नंबर वन और नंबर टू तरह की कम्युनिटी होती थी। अब नंबर वन होते थे जो नेटिव अरब्स होते थे, और नंबर टू होते हैं जो स्लेव्स हुआ करते थे, जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लेवरी खत्म होने के बाद नेचुरलाइज कर दिया गया। उसके बाद भी उनका ट्रीटमेंट एट पार विद अदर पीपल नहीं हो पाता है। उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है, जॉब के अंदर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जब ये नंबर वन ट्राइब के लोग बैठते हैं, तब नंबर टू सेम ट्राइब के लोग उनके सामने बैठ नहीं सकते हैं। आज भी ये प्रैक्टिस मैंने देखी है। तो ये कहाँ की इक्वेलिटी थी भाई? एशियंस को आप इक्वल ट्रीट नहीं करते हो, ये तो मैंने माना, क्योंकि इन लोगों को अरेबिक नहीं आती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं आती है, चीजें समझ में नहीं आती है, आप इनको जैसे आउटकास्ट कर दिया ना, जात बाहर। बट सेम अरब स्पीकिंग लोगों के अंदर भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा, तब मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछता था कि आप ये कौन सी इक्वेलिटी की बात करते हो? लेट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? अगर आप देखो कि काबे का जो सेंटर बॉक्स है, द ब्लैक बॉक्स, द स्क्वायर क्यूब बॉक्स, क्या कहते हैं उसको, मुझे भूल गया सुगंध, उसके अंदर हर कोई बंदा नहीं आ सकता। हजरत अस्वद की बात कर रहे हो या अंदर का बोल रहे हो? अंदर जो है उसका, जिसके ब्लैक अंदर है बॉक्स, जो ब्लैक लगा हुआ, बॉक्स के अंदर कोई नहीं जा सकता ना, सब सब नहीं जा सकते उसके कौन अंदर। जाता है? बड़े बड़े लोग जाते हैं बस, दैट्स इट। क्यों भाई, अगर सब बराबर हैं अजमी और अरबी, तो फिर उसके अंदर जाने में क्या तकलीफ है? तो ये तो अब सिर्फ मुसलमान है ना, वहां पे कोई और तो जाता भी नहीं है। वैसे भी काबे के अंदर जा ही नहीं सकता, इजाजत ही नहीं है। नापाक लोगों को तो वैसे ही काबे की सरजमीन से हटा दिया मोहम्मद ने और कुरान ने। जो जितने भी नापाक लोग हैं वो तो वैसे ही काबे की सरजमीन पे नहीं जा सकते, लेकिन जो मुसलमान हज करने आए हैं, उमरा करने आए हैं, वो उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब किसी मुल्क का बड़ा सरबराह जाता है तो उसको अंदर तक ले जाते हैं। स्कॉलर हैं वो अंदर तक जा जाते हैं, उसकी चाबियां भी रखी हुई हैं उन्होंने, लॉक भी लगाए हुए हैं। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। यू यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट। पूरी दुनिया में आपको हर दुनिया की कंट्री की ना नेशनलिटी मिल जाती है, अगर आप जाना चाहो, चाहते हो, वहां पे काम शाम करते हो। ये अरेबियन पेनिनसुला में आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, जो बच्चा पैदा भी होता है उसकी भी नेशनलिटी वहां की नहीं मिलती, बाकी दुनिया में मिलती है। मुस्लिम तभी तो जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इनको वहां जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसको नेशनलिटी मिल जाती है, बस बाय बाय टाटा। यहाँ पे चाहे सारी उम्र रहो, 100 साल रहो, मरोगे तो खत्म, यू आर डन, उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है? सो नेवर। जो वहां पैदा होते हैं उनका क्या, इवन इफ दे आर मुस्लिम्स? एक्सटेंडेड वीजाज हैं, दैट्स इट, एक्सटेंडेड स्टे वीजाज हैं, दैट्स इट। ओ तो भाई मतलब एक इंडियन मुस्लिम अगर वहां गया आपके इंडियन और बच पाकिस्तानी मुसलमान चाहे सऊदी अरेबिया जाएं चाहे दुबई जाएं, उनको वहां की कभी नेशनलिटी नहीं मिल सकती है। तो दे हैव टू बिजनेस कर अप्लाई सकते फॉर हो, इंडियन पासपोर्ट, एग्जैक्टली, दे गेट समथिंग लाइक अ पीआर। पीआर टाइप पेपर मिल जाता है, ये वो मिल जाता है, एक्सटेंशन करवानी पड़ती है हमेशा। आप वहां पे बिजनेस खोल लो अपना, करोड़ों रुपए लगा दो वहां पे,
200 करोड़ का बिजनेस खोल लो वहां पे, उसमें से कोई ना कोई उनका अपना एक होगा जो आपके साथ मिलके करेगा। आप इंडिविजुअल 100% नहीं खोल सकते, आपको किसी ना किसी वहां पे कफील के साथ मिलके बिजनेस करना है। कफील पैसा ना भी लगाए तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ उस कफील के नाम की आपको जरूरत है और उसको आपने पैसे देते रहना कि वो बिजनेस में मेरा पार्टनर है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी आपने मरना है, वो आप मर गए बाय बाय, आपका है ही कुछ नहीं। जब तक जिंदा है तब तक उस बिजनेस से कमा रहे हो। इवन इफ यू आर अ मुस्लिम, सर मुस्लिम होने से क्या फर्क पड़ता है? सरप्राइजिंग है सर, जाके उनकी लॉस पड़े आपको पता लग जाएगा। कफील का लॉ क्यों लगाया हुआ है? तो भाई ये क्यों इतना अमीर है? वहां के शुरते काम तो करते नहीं, पराडो पिजारो घुमा के फिर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हर दूसरा बंदा दो दो चार चार लोगों का कफील बना हुआ, काम तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप चार बंदों के कफील बन जाओ, हर बंदे से आपको तनख्वाह में से हिस्सा मिल रहा है, थोड़ा सा बात खत्म। उसके बिजनेस की प्रोपोजिशन में से हिस्सा मिल रहा है। दे आर अर्निंग लाइक सिटिंग एट होम, चार चार बीवियां यशियां,